स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज इस सेशन में हम लोग रिवोल्ट 1857 की क्रांति का अध्ययन करेंगे। वैसे वर्षों पहले मैंने इसके संदर्भ में कुछ शब्द लिखे। 1857 की क्रांति भारत में गोरी हुकूमत के खिलाफ पहला बगावत था। 1857 की क्रांति भारत में गोरी हुकूमत के खिलाफ पहला बगावत था। भारतीय शेरों का लंदन के कुकुरमुत्तों के खिलाफ जन्म का अदावत था। अगर पद और पैसे के भूखे भेड़ियों ने देश के साथ गद्दारी नहीं किया होता तो 1947 नहीं 1857 में ही भारत आजाद था। और यह बिल्कुल सही भी है। उस समय का तत्कालीन वायसराय जिसका नाम था लॉर्ड कैनिंग, जिसने कि इस विप्लव के बाद 1857 की क्रांति के बाद उसने खुद जो है अपने संस्मरण में लिखा कि 1857 की क्रांति में अगर ग्वालियर के सिंधिया राजघराना भी क्रांतिकारी सैनिकों के साथ अगर जो है साथ दिया होता तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से बढ़िया बिस्तर बांध लेना पड़ता। आज उसी परिवार का जो है एक व्यक्ति भारत में केंद्रीय मिनिस्टर भी है, वो अलग बात है। लेकिन इस लेसन से कुछ जो है प्रश्न आप लोगों से पूछे गए हैं। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? खान बहादुर खान किसके सेना प्रमुख थे? द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक किसने लिखा? जैसे प्रश्न इस लेसन से विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। या आज का जो है 57वीं क्लास है, इससे पहले कुल 56 क्लास जो है ऑलरेडी हिस्ट्री की अपलोड किया जा चुका है, जिसको आप जो है अगर पहली बार आज के क्लास में आज के सेशन को देख रहे हैं तो अन्य क्लास को भी जो है आप देखिए और परीक्षाओं में अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। शुरू करते हैं आज के सेशन को। वैसे मैं बताता हूं कि ये सेशन स्पेशली आपका सिविल सर्विसेज एग्जाम को ध्यान में रख करके शुरू किया गया है, लेकिन ऐसी कोई भी परीक्षा जहां पर जीएस पूछता है और जीएस में स्पेशली जो है हिस्ट्री को फोकस किया जाता है तो ये आपके लिए संजीवनी सिद्ध होगा। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और आज का ये पहला प्रश्न आपके जो है स्क्रीन पर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के किस योद्धा को इटली का गैरिबाल्डी कहते हैं? इटली का गैरिबाल्डी की उपमा किसे दिया गया है? 1857 की क्रांति बताने की जरूरत नहीं, जिसकी शुरुआत कहां से हुई थी तो आप कहेंगे कि मेरठ से हुई थी। कहां से? मेरठ से। और मेरठ में कब से हुई थी तो आप कहेंगे कि जी 10 मई 1857 से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी, मेरठ से हुआ था। यद्यपि कि 1857 की क्रांति को शुरू करने का जो प्री प्लान था वो जो है 31 मई, कब? 31 मई 1857 था। 31 मई 1857 रहा था और इसे शुरू कहां से करना था तो बिठूर से शुरू किया जाना था। बिठूर से शुरू किया जाना था, किसके नेतृत्व में? आप कहेंगे तात्या टोपे और नाना साहब के नेतृत्व में इस क्रांति को बिठूर से, कानपुर के पास ये जगह पड़ती है, वहां से 31 मई को जो है शुरू किया जाना था। लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि यह क्रांति 10 मई 1857 को कहां से? उत्तर प्रदेश का ही जिला है मेरठ, वहां से कदम सिंह और वहां के कोतवाल के नेतृत्व में जो है शुरू हो गया था। बहरहाल यहां पूछ रहा है कि किस योद्धा को इटली का गैरिबाल्डी कहते हैं। जी हां, नाना साहब के सेनापति थे जिनका नाम था तात्या टोपे। हालांकि तात्या टोपे का वास्तविक नाम था राम चंद्र पांडु रंग, रामचंद्र पांडु रंग। आपको जानकारी के लिए बता दें कि रामचंद्र पांडु रंग जो है नाना साहब जिनका वास्तविक नाम धुंधुपंत था उनके सेनापति थे, आर्मी कमांडर थे, सैन्य कमांडर थे। उससे पहले इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी की थी सेना में और तोपखाना विभाग, तोपखाना डिपार्टमेंट को जो है इन्होंने अपनी सेवा दी थी। लेकिन बाद में इनकी नौकरी जब इनके आन बान शान और स्वाभिमान के लिए जो है प्रश्न चिन्ह बन गया तो इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। कहा जाता है कि तोपे नाम इनको वहीं से जो है मिला था और रामचंद्र पांडुरंग जो है तात्या टोपे के नाम से जाने गए थे, तात्या टोपे के नाम से जाने गए।
आपको एक और जानकारी बता दें, रामचंद्र पांडुरंग जो वास्तव में माधव नारायण, कौन माधव नारायण, मैं पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया था, माधव नारायण जो वर्ष 1696 में आत्महत्या कर लिया था, एकमात्र पेशवा जिसने सुसाइड कर लिया था उसी के ये पुत्र थे। कौन कौन? जी हां, उनके पुत्र थे जो है नाना साहब, उनके पुत्र जो है नाना साहब थे। और इन नाना साहब को, नाना साहब को जो है गोद लिया, यानी जो है एडॉप्टेड सन के रूप में जो है स्वीकार किया था किसने? तो आप कहेंगे बाजी, जी हां बाजीराव द्वितीय ने। तो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे कौन? नाना साहब। और नाना साहब के सेनापति थे कौन? तात्या टोपे। तात्या टोपे जिनको 18 अप्रैल वर्ष 1859 को शिवपुरी वर्तमान में पड़ता कहां है? तो आप कहेंगे शिवपुरी वर्तमान में कहां पड़ता है? तो ये वर्तमान में है मध्य प्रदेश में, जहां पर इनको फांसी दी गई। और 1857 की क्रांति के अंतिम शहीद कौन थे? 1857 की क्रांति के अंतिम शहीद व्यक्ति तात्या टोपे थे, जिनको जिनको सिंधिया परिवार के जो है एक शासक जिसका नाम था मानसिंह, मानसिंह की जो है गद्दारी की वजह से इनको सोते समय जंगल में गिरफ्तार कर लिया गया था। जागते वक्त ब्रिटिश हुकूमत गोरी चमड़ी वाले इनकी चमड़ी छू न सके, लेकिन सोते वक्त जब इनको गिरफ्तार किया क्या, तो शिवपुरी के किले में तड़पा तड़पा करके जो है अंततोगत्वा इनको मृत्युदंड दे दिया गया था। अगर पूछे 1857 की क्रांति के अंतिम शहीद कौन थे? तात्या टोपे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, जय दयाल और हर दयाल नामक भाइयों ने 1857 की क्रांति में किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था? 1857 की क्रांति सबसे अधिक जो है बंगाल प्रेसिडेंसी उससे प्रभावित हुई। 1857 की क्रांति का जो है बिगुल ही बंगाल में जगह मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद में जो है बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 के दिन मंगल पांडे ने दो अंग्रेज अपने अधिकारियों को गोली मार दिया। तो कथा तो वहीं से शुरू हो गई थी, लेकिन उसकी मुकम्मल शुरुआत हुई थी कहां से? मेरठ से जो है शुरू होनी थी। 1857 की क्रांति में सबसे अधिक बंगाल प्रेसिडेंसी जो है प्रभावित हुआ। और ओवरऑल जो है अगर जो आज वर्तमान के स्टेट की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र। बहरहाल जय दयाल और हर दयाल दोनों ये जो है सगे भाई थे, जिनको तोप में बांध करके और सरेआम गोलियों से जो है टैंक से जो है उड़ा दिया गया था। इन दोनों भाइयों ने कोटा के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। कोटा आज राजस्थान में पड़ता है और कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? चंबल नदी के तट पर स्थित है। और कोटा में जय दयाल और हर दयाल नामक दो भाइयों ने क्रांति का बिगुल बजाया, वो अलग बात थी कि गिरफ्तार हुए और इनको तोप में बांध करके सरेआम जो है उड़ा दिया गया था। बहरहाल उत्तर प्रदेश का शहर मथुरा, जहां की देवीलाल ने, कौन देवीलाल ने, देवीलाल ने विद्रोही सैनिकों का जो है नेतृत्व किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का अवलोकन करते हैं, जीतन महल का संग्राम 1857 में किस क्षेत्र से संबंध था? 1857 की क्रांति के पीछे जो तत्कालीन कारण था वो ये कि भारत में जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर बनकर के आता है तो उसी के शासनकाल में ब्रॉस राइफल के जगह पर अब इनफील्ड राइफल जो है लाई गई। इनफील्ड राइफल जिसमें कि जो है ट्रिगर का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें कारतूस को लगाने से पहले जो है मुंह से काटना पड़ता था। और सिर्फ एक र्यूमर फैलाया गया कि इस कारतूस का जो कवर है उस कवर में गाय और सुअर की चर्बी जो है लगाई गई है। हालांकि ऐसा नहीं था, अगर उसमें चर्बी का प्रयोग ही करना होता तो गाय और सुअर ही क्यों, भैंस भेड़ पड़वा में क्या कमी थी। जाहिर सी बात थी अंग्रेजों का जो है एक प्लान था धार्मिक भावनाओं को भड़काने का, क्योंकि ये दोनों जानवर जो है उन दिनों भारत में जो सबसे अधिक जो समुद्र सबसे अधिक जनसंख्या वाला दो समुदाय था और दोनों की धार्मिक भावनाओं को आहत करना उनका उद्देश्य था। लॉर्ड डलहौजी का प्रयास ही था हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में ईसाई धर्म को जो है स्थापित करना।
आगे चल करके बताऊंगा कि एडवर्ड जिसने की जो है पत्र लिखा था किसको, लॉर्ड डलहौजी को, कि भारत में शासन करने का जो है एक उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि पूरे भारत में सिर्फ एक धर्म हो और ईसाई धर्म हो। और इसी के वजह से इन सैनिकों, जो कि सेना में काम करने वाले जो सैनिक थे, कम पढ़े लिखे लोग थे, आज भी वही स्थिति है। और इन सैनिकों को जो है भड़काया गया कि या तो तुम नौकरी छोड़ दो, नहीं तो मुंह से जो है इस कारतूस को इस्तेमाल करो। और एक कड़वा हकीकत है, कम पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ लोग धर्म कर्म को लेकर के बड़ा जो है सेंसिटिव होते हैं। और जो सैनिक जो है ये करने के लिए तैयार नहीं था तो उसे कहा जाता था कि फिर नौकरी छोड़ दो। भारत में बेरोजगारी हमेशा से एक महामारी रही है, चाहे उस समय चाहे इस समय। तो जाहिर सी बात थी, अगला हालात से समझौता कर लेता था, ये पापी पेट क्या नहीं करा देता है इंसान से। तो जो सैनिक मुंह से कारतूस को काट लेता था तो उसे कहा जाता था कि अबे जब तुमने जो है इस कारतूस को जो है मुंह से लगा ही लिया तो तेरा धर्म खत्म हो गया, तेरा धर्म खत्म हो गया तो तू इंसान ही नहीं, इंसान नहीं तो नौकरी छोड़ दो, घर जाओ। और जो कारतूस काटने के लिए तैयार नहीं था तो उससे भी कहा जाता था कि तुम घर जाओ। यानी दोनों तरीके से वही बात थी। और नौकरी बचाने का तब एक ही तरीका इन्होंने कहा, क्या ईसाई धर्म स्वीकार कर लो, यहां कारतूस दिन भर मुंह में डाल के बैठे रहोगे तब भी धर्म पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी जाहिर सी बात थी, उस कारतूस का जो है उपयोग के पीछे जो है इनकी कहानी थी, जो इनका षड्यंत्र था वो जो है धर्म परिवर्तन था। बहरहाल 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति जिसका श्री गणेश हुआ था, कहां से, मेरठ से। मेरठ में विद्रोही सैनिकों ने मेरठ की छावनी पर जब अपना अधिकार कर लिया तो यहां से कब, 10 मई 1857 को, तो ये सैनिकों का जत्था जो है दिल्ली की तरफ जो है गया। कहां पर, दिल्ली। तो अगर मेरठ के बाद जो है सबसे पहले क्रांतिकारी सैनिकों ने कहां अधिकार किया तो दिल्ली के लाल किले पर अधिकार किया। कहां पर, दिल्ली के लाल किले को जो है 1857 में क्रांतिकारी सैनिकों ने अपने कब्जे में ले लिया। 1857 के बाद वर्ष 2021 में ऐसा हुआ था जब दिल्ली में सरकार किसी और की थी और दिल्ली के लाल किले पर कब्जा किसी और का था, उस समय सैनिकों ने अपने कब्जे में कर लिया था। और 2021 में जो है किसानों ने किसान बिल के लेकर के जो विद्रोह चल रहा था, तब जो है कुछ समय के लिए दिल्ली का लाल किला जो है विद्रोही किसानों के जो है कब्जे में था। दुर्भाग्य है कि इस देश में हमेशा जवान और किसान यही दोनों सताए जाते हैं और हमेशा क्रांति का बिगुल जो है यही बजाते हैं जब पानी सर से ऊपर होने लगता है। जब विद्रोही सैनिकों का जत्था दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली 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 का उस समय जो है अंतिम मुगल बादशाह था जिसका नाम था बहादुर शाह जफर। क्या नाम था, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, और बहादुर शाह द्वितीय की जो अंतिम बेगम थी उनका नाम था क्या, जीतन महल। क्या नाम था, जीतन महल। कहा जाता है कि जब बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से हडसन ने गिरफ्तार किया तो उस समय जीतन महल भी थी। जीतन महल इनकी अंतिम बेगम थी और बहादुर शाह जफर मुगल सल्तनत के जो है अंतिम बादशाह थे। वहां से इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया जब हडसन ने, तो इनको देश निकाला हुआ। तब रंगून की जेल में जीतन महल भी इनके साथ रही थी, तब तक जब तक कि 1862 में इनकी मौत ना हो गई। किसकी, बहादुर शाह जफर की। बहादुर शाह जफर का आज भी मकबरा जो है रंगून में पड़ता है। और उसके बाद बंगाल की रहने वाली जीतन महल, जिनका जो है जीवन ही नाचने गाने वाली एक महिला के रूप में जो है शुरू हुआ था। और ऐसी महिलाएं जो कि उन दिनों हरम में रह करके और नाचने गाने का जो है काम करती थी, उनको महल की उपाधि दी जाती थी, महल की उपाधि दी जाती थी। और जीतन महल भी वही थी। बहरहाल इनका संबंध जो है कहां से था, दिल्ली से था। आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जब
रंगून की जेल में कैद किया गया था, तो उसकी कौन सी पत्नी उनके साथ थी? यही जीतन माल थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, उससे पहले बताएं कि लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था किसने? बेगम हजरत महल ने किया था। जिनके नाम के साथ महल हो, सबकी कहानी वही रही है। हजरत महल ने किया, और इनका वास्तविक नाम था मुहम्मदी खानम। क्या नाम था? मुहम्मदी खानम। और ये जो खानम थी, ये खानम की भी कहानी वही थी। और ये अंतिम अवध के नवाब वाजिद अली शाह की अंतिम पत्नी थी, जो कि बहुत अच्छा कथक और ठुमरी की जो है कलाकार भी थी। बहरहाल 1857 की क्रांति में सबसे पहले विद्रोह करने वाली पहली अगर महिला पूछेगा तो बेगम हजरत महल थी। क्योंकि जीतन महल ने दिल्ली में रही जरूर, लेकिन इनका क्रांति और विद्रोह से कोई लेना देना नहीं रहा था। अगला प्रश्न देखें, असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक किसने लिखा था? 1857 की क्रांति, जिस पर कम से कम 1857 पुस्तकें लिखी गई होंगी, लेकिन उसमें से कुछ फेमस हैं जो कि आप लोगों से जो है पूछी जाती रही हैं। असबाब ए बगावत, सबसे पहले बता दें कि असबाब ए बगावत, जिसका संबंध 1857 की क्रांति से था, और भारत की भाषा में लिखी गई यह पहली पुस्तक थी, भारतीय भाषा में रचित प्रथम पुस्तक, पहली पुस्तक थी। किससे संबंधित थी? 1857 की क्रांति से। और भारतीय भाषा में लिखी गई इस पहली पुस्तक को लिखा किसने था? जी हां, सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। सर सैयद अहमद खान ने इसी पुस्तक में इसे जो है सिर्फ सैनिक विद्रोह बताया, कहा कि यह सिर्फ एक सैनिक विद्रोह है, न कि जो है किसी तरीके का ये न क्रांति है और न ही कोई संग्राम है। लेकिन बीडी सावरकर पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। कौन? बीडी सावरकर। किसने कहा था? बीडी सावरकर ने। और बीडी सावरकर ने ये सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। किस पुस्तक में? तो उस पुस्तक का नाम था द वॉर ऑफ रिवोल्ट 1857। उस पुस्तक का क्या नाम था? द वॉर ऑफ रिवोल्ट, फर्स्ट वॉर ऑफ रिवोल्ट 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ रिवोल्ट 1857, जिसको कि बीडी सावरकर के द्वारा 1909 में कहां पर लिखा गया था? तो आप कहेंगे कि लंदन में लिखा गया था। और इसी पुस्तक में इन्होंने 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम, इसको ईश्वरी प्रसाद ने कहा था। स्वतंत्रता संग्राम अगर जो है पूछा जाएगा, स्वतंत्रता संग्राम इसे केवल स्वतंत्रता संग्राम जो है किसके द्वारा कहा गया? तो आप कहेंगे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा था। किसने कहा? ईश्वरी प्रसाद के द्वारा कहा गया था। असबाब ए बगावत में इसको सिर्फ एक सैनिक विद्रोह कहा था। किसने? सैयद अहमद खां। और सैयद अहमद खां 1857 की क्रांति में ब्रिटिश हुकूमत के जो है पक्षधर रहे थे, ब्रिटिश हुकूमत के जो है भक्त रहे थे। उस समय ये कहां पर? अमीन के पद पर जो है कार्यरत थे। अमीन के पद पर कार्यरत थे। कौन? बहादुर शाह जफर। अगर पूछा जाए कि कहां पर, तो आप कहेंगे बिजनौर में। बिजनौर में आज भी एक पद होता है अमीन, और अमीन के पद पर सर सैयद अहमद खां कार्यरत थे। इन्होंने काजेज ऑफ द रिवोल्ट नामक पुस्तक भी लिखी थी। क्या? काजेज ऑफ रिवोल्ट 1857 भी इन्हीं के द्वारा जो है लिखा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, उससे पहले बता दें 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था जो है मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब जो कि आगरा में जिनका जन्म हुआ, और यह भी बहादुर शाह जफर के साथ रह करके और दिल्ली के लाल किले में अपने जिंदगी का अंतिम वक्त जो है बिता रहे थे। बहादुर शाह जफर भी बहुत अच्छा शेरो शायरी करता था, मिर्जा गालिब भी करते थे।
मिर्जा गालिब ने 1857 की क्रांति को अपने आंखों से देखा था। उन्होंने लिखा था, जब बहादुर शाह जफर के दो बच्चों को हडसन ने गोली मार दिया था, किसको किसको, मिर्जा मुगल, मिर्जा उमर और मिर्जा अबू बकर। मिर्जा अबू बकर बहादुर शाह जफर के जो है बेटे के बेटे थे। इन तीनों को गोली मार दिया था हडसन ने और किले के जो है दरवाजे पर लटका दिया गया था। उस समय मिर्जा गालिब ने एक शेर लिखी कि मेरे आंखों के सामने खू का समंदर है गालिब, मेरे आंखों के सामने खू का समंदर है गालिब, खुदा ही जानता है अभी क्या क्या देखना वदा है। तो मिर्जा गालिब बड़े अच्छे शायर थे और 1857 की क्रांति को जो है इन्होंने अपनी आंखों से देखा था। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति को ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध किसने कहा, ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध किसने कहा था। 1857 की क्रांति को लेकर के बहुत से लोगों ने जो है अपना अपना स्टेटमेंट दिया, जो कि बहुत जो है आपसे पूछा जाता है। उस समय का तत्कालीन व्यक्ति जिसका नाम था कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स ने जो है इसे क्या कहा था, तो इसे राष्ट्रीय क्रांति कहा था। क्या कहा था, राष्ट्रीय क्रांति। बहुत जो है पूछा जाता है कि किस विदेशी फिलोसोफर के द्वारा 1857 की क्रांति को सबसे पहले राष्ट्रीय क्रांति या नेशनल रिवोल्ट जो है कहा गया, कार्ल मार्क्स को जो है इन महोदय ने कहा था। टी आर जेम्स ने ईसाइयों के विरुद्ध हिंदुओं और मुस्लिम लोगों का षड्यंत्र कहा था, ईसाइयों के विरुद्ध हिंदुओं और मुसलमानों का षड्यंत्र, मुसलमानों का षड्यंत्र कहा था। किसने कहा था, तो आप कहेंगे इसने कहा था, टी आर जेम्स ने। तो अब बच कौन गया, एल आर रीस के द्वारा इसे ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध कहा गया। क्या कहा गया, ईसाइयों के विरुद्ध इसे धर्म युद्ध के नाम से जाना गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न का करते हैं अवलोकन। अगला प्रश्न देखें, द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक किसने लिखा था, पीसी जोशी, अशोक मेहता, एरिन स्टार्क्स या के सेन गुप्ता। ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया, अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया था, जबकि पीसी जोशी के द्वारा लिखा गया क्या, रिबेलियन 1857, रिबेलियन 1857 किसके द्वारा लिखा गया था, तो आप कहेंगे कि पीसी जोशी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, पीसी जोशी के द्वारा लिखा गया था, पीजेंट एंड द रॉस, पीजेंट एंड द रॉस नामक पुस्तक को जो है किसने लिखा था, आप कहेंगे एरिक स्टार्क्स ने लिखा था। यह सब का सब जो है किससे संबंधित था, यह सब की सब जो है पुस्तकें विदेशी राइटरों के द्वारा लिखी गई थी, विदेशी इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई, और किससे संबंधित थी, रिवोल्ट 1857 से, 1857 की क्रांति से संबंधित थे। एसके सेन गुप्ता होना चाहिए था, एसके सेन गुप्ता जो कि 1857 की क्रांति में ये भारतीय इतिहासकार, और आजादी के बाद इनको जो है आधिकारिक रूप से भारत का इतिहास लिखने की जिम्मेदारी जो है दी गई थी। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, 1857 की क्रांति मैंने बताया कि इसका कथा तो वैसे पटकथा शुरू कर दी गई थी। कब शुरू की गई, तो आप कहेंगे कि 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में, और उसी के ठीक 100 वर्ष जो है बाद प्लासी की लड़ाई, मैंने पढ़ाया आप लोगों से तो जो है बताया भी कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था कब, जून के महीने में 23 जून वर्ष 1757 को, और लगभग इसी के ठीक 100 ईयर बाद, 100 वर्ष के बाद जो है 1857 की क्रांति जो है शुरू होती है। 1857 की क्रांति की पटकथा यहीं पर लिखा गया था।
और ब्रिटिश हुकूमत जैसे जैसे जो है पूरे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित जो है करती चली गई, जाहिर सी बात थी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति भारतीय राजाओं के मन में असंतोष का जो है ग्राफ बढ़ता चला गया। और उस पर अंतिम किल ठोक दिया था किसने? आप कहेंगे कि लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी जो कि भारत आया तो उसने हड़प नीति लाया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया, और उसके तहत जो सबसे विवादास्पद उसका जो है उसमें एक क्लॉज था, और वो ये था कि अगर किसी भारतीय शासक का कोई उत्तराधिकारी ना हो, कोई बेटा या बेटी ना हो, तो उसके साम्राज्य को ब्रिटिश हुकूमत में मिला लिया जाएगा। वो किसी दूसरे बालक को एडॉप्ट नहीं कर सकता है, गोद नहीं ले सकता है। और रही सही कसर जो है तब पूरा हो गई जब एनफील्ड राइफल आई। उस राइफल में कारतूस को सुअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल किए जाने का जो है र्यूमर फैलाया गया, और यही तत्कालीन कारण था जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के लिए कहा जाता है कि सबसे पहले नाना साहब को सलाह इसके संदर्भ में दिया था किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी अपनाओं का नारा दिया था, बाबा रामदेव ना, स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी अपनाओ, स्वराज का जो है सबसे पहले नारा दिया था। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का आह्वान किया था। वो अलग बात थी कि इनके जीते जी ये सब जो है नहीं हो पाया। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जिनका वास्तविक नाम मूल शंकर था, कहा जाता है कि हरिद्वार में कुंभ के मेले में उनकी मुलाकात हुई थी। किससे? नाना साहब से हुई थी। नाना साहब से उनकी मुलाकात हुई। नाना साहब जो है तब अभी यंग एज में थे, अभी उन्होंने उनसे पूछा कि भारत में जो है विदेशियों को कैसे बाहर किया जा सकता है, ये बहुत ताकतवर हैं भारत में और इतने अधिक ताकतवर हो गए हैं कि इनको हटाना मुश्किल है। उस समय भारत की जो है जनसंख्या, उस समय भी हम लोग करोड़ों में थे, लेकिन एक मुट्ठी अंग्रेज हिंदुस्तान को गुलाम बना करके रखे थे, तो कहीं ना कहीं भारतीय लोगों की ये जो है कमजोरी थी, भारतीय शासकों का जो है आपस में न बनना था, उसी की वजह से अंग्रेज भारत पर अपना अधिकार जो है स्थापित कर लिए थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनसे कहा कि अंग्रेजों की सबसे बड़ी ताकत क्या है? नाना साहब ने कहा उसकी सेना। उन्होंने कहा कि सेना कहां के रहने वाली है? कहा कि सेना में मैक्सिमम लोग भारत के रहने वाले हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि जिसको जीतना है उसकी सबसे बड़ी ताकत को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दो, उसको आराम से जीता जा सकता है। और उन्हीं के सलाह पर नाना साहब और तात्या टोपे जो कि नाना साहब के जो है सैन्य कमांडर थे, इन दोनों लोगों ने मिलकर के जो है ताना बाना जो है इसको बुना, और सन्यासी के बेस में गांव गांव घूम घूम करके जो है कुछ लोग जिनके घरों में सेना में लोग काम करते थे, और आज भी और तब भी 99% सेना में काम करने वाले लोग जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही मिलेंगे। किसी किसान, गरीब मजदूर घर का बेटा ही सेना में देश के लिए हमेशा काम करता रहा है, चाहे देश गुलाम रहा है तब, चाहे देश आजाद रहा है तब, आज भी हालात वही है। और गांव में, शहर में तो अपने पड़ोस में कौन रहता है किसी को नहीं पता, गांव में तो ये आराम से पता किया जा सकता था कि किसका बेटा जो है सेना में काम करता है। ऐसे ऐसे सामाजिक व्यक्ति जो है गांव में आज भी मिलेंगे कि अपने गांव का छोड़ दो चार दस गांव का वो जो है पूरी कथा बता देंगे। शहर में तो अपने पड़ोस में कौन रहता है यही नहीं पता है। इसीलिए तो कहा गया है कि भले ही शहरों में इंसान अधिक रहते हैं लेकिन इंसानियत आज भी गांव में ही जिंदा है। बहरहाल इन सैनिक परिवारों को रोटी और कमल,
कलम नहीं, रोटी और कमल जो है सन्यासी वेश में कुछ जो है समाज सुधारकों के द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता था और उनसे कहा जाता था आपका बेटा आपका भाई जब छुट्टी पर जो है घर आए तो उसे जो है बताइए कि भारत से ब्रिटिश हुकूमत को जो है खत्म करने के लिए किस दिन 31 मई का दिन तय किया गया है। 31 मई 1857 के दिन अपने जो है बैरक में जहां कहीं भी जो है ड्यूटी कर रहे हैं वहीं पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो है बगावत करना है। तो 1857 की क्रांति का यह प्रतीक चिन्ह था। और पूछा जाए प्री डिसाइडेड डेट, पूर्व निर्धारित तिथि कहां थी, पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी, पूर्व निर्धारित तिथि या प्री डिसाइडेड डेट क्या था, तो आप कहेंगे कि 31 मई 1857। और पूर्व निर्धारित स्थान कहां था, तो आप कहेंगे कि बिठूर। बिठूर कहां पड़ता है, जी हां कानपुर में जो है पड़ता है। इसी बिठूर से 1857 की क्रांति का जो है बिगुल बजाया जाना था, लेकिन लेकिन मंगल पांडे ने बैरकपुर में जो कुछ भी किया उसकी चिंगारी जो है मेरठ तक पहुंची और मेरठ से जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है 20 दिन पहले ही हो गई थी। दिए हुए प्रश्न का जो है पहला विकल्प ना तीसरा विकल्प सही है। मणिराम दत्ता, कंदरपेश्वर सिंह, पियाली बरुआ 1857 की क्रांति में किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। 1857 की क्रांति सबसे अधिक अगर जो है पूछा जाए तो प्रभावित क्षेत्र जो है बंगाल प्रेसिडेंसी थे, बंगाल। उसके बाद जो है कौन सा, तो आप कहेंगे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी थे और बॉम्बे के पास बाद जो है मद्रास प्रेसिडेंसी। 1857 की क्रांति में जो सिख संप्रदाय के जो लोग थे, सिख साम्राज्य जो पंजाब वाला जो बेल्ट था, यह पूरी तरीके से अपने आप को जो है अलग रखा था, इन्होंने कोई वास्ता जो है नहीं रखा। इवन दैट 1857 की क्रांति में दिल्ली पर जब क्रांतिकारी सैनिकों ने अपना अधिकार किया था तो जिंद के सिख शासकों ने अपनी सेना अंग्रेजों की तरफ से जो है भेजी थी। जम्मू कश्मीर के महाराज ने भी अपनी सेना अंग्रेजों की तरफ से ही भेजा था, जिसके वजह से दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। आपसे पूछा जाए कि क्रांतिकारी सैनिकों ने सबसे पहले किस शहर पर कब्जा कर लिया, दिल्ली। लेकिन अंग्रेजों ने पुनः जो है किस शहर को कब्जा कर लिया था, तो उस सवाल का भी जवाब होगा दिल्ली, जो मई 1857 से लेकर के सितंबर 1857 तक जो है चला था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में पियाली बरुआ, कंदरपेश्वर सिंह, मणिराम दत्ता उस क्षेत्र का जो है प्रतिनिधित्व किया जिसको कभी पहले कामरूप के नाम से जाना जाता था, जिसे पहले कभी प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था, प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था। और ये सब नाम किसके प्राचीन नाम है, तो कसम से असम के जो है प्राचीन नाम है। यानी मणिराम दत्ता, कंदरपेश्वर सिंह और पियाली बरुआ ने किन क्षेत्र का नेतृत्व किया, तो आप कहेंगे कि असम का नेतृत्व किया। जबकि बिहार में वैसे तो बिहार में सबसे पहले 1857 की क्रांति देवगढ़ से शुरू हुई थी, लेकिन अब यह जगह जो है पड़ जाती है कहां पर, यह पड़ जाती है झारखंड में। तब 1857 की क्रांति जो है पीर अली नामक एक पुस्तक विक्रेता ने कहां से, पटना से जो है शुरू किया था, लेकिन इसको पारावार दिया जो है चरमोत्कर्ष पे जो है चढ़ाया जिस व्यक्ति ने, उनका नाम था वीर कुंवर सिंह। क्या नाम था, वीर कुंवर सिंह। और वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष की अवस्था में, आरा आज भी बिहार का जिला है और आरा से लेकर के उत्तर प्रदेश का जिला आजमगढ़ तक जो है अपने कब्जे में इन्होंने कर लिया था, आजमगढ़ के क्षेत्र को अपने कब्जे में किया था। तो आपसे पूछे 1857 की क्रांति में सबसे बुजुर्ग क्रांतिकारी कौन थे, जी हां वीर कुंवर सिंह थे। और सबसे बड़े क्षेत्र पर अधिकार किसने किया था, वीर कुंवर सिंह। उत्तर प्रदेश का जो है जिला आसमगढ़ और बिहार का जो है आरा, इतने बड़े भूभाग पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। अगला प्रश्न देखें, 1857 की क्रांति में हडसन ने किसकी मदद से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया था। बहादुर शाह जफर, जिनको कि बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, 1857 की क्रांति के जो है इनका 1857 की क्रांति में इन्होंने नेतृत्व दिल्ली के क्षेत्र में किया,
ये किस मुगल बादशाह के बेटे थे? तो आप कहेंगे कि अकबर सेकंड के बेटे थे। किसके? अकबर द्वितीय के ये पुत्र थे। कौन? बहादुर शाह जफर। अकबर द्वितीय और एक नाचने गाने वाली वेश्या थी, उसका नाम देखिए मैं भूल रहा हूं, लाल कुमारी, सॉरी लालबाई नाम था। क्या नाम था? लालबाई नाम था। लालबाई, ये लालबाई जो है नाचने गाने का काम करती थी, ये महलों में नाचने का काम करती थी। ये नाचते नाचते अकबर द्वितीय को नचाने लगी, जिसका परिणाम जो है बहादुर शाह जफर महोदय थे। और बहादुर शाह जफर का जो है जन्म भी हुआ था कहां पर? तो रंगून में। वो भी जो है एक आकस्मिक घटना थी, और उनको मौत भी नसीब हुई तो कहां पर? रंगून में। और आप उनकी समाधि भी है, तो मकबरा भी कहां स्थित है? आप कहेंगे रंगून में। बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया था कहां से? हुमायूं के मकबरे से। हुमायूं का मकबरा, जिसको कि उसकी बेगम हाजी बेगम के द्वारा जो है बनवाया गया था। इसी मकबरे में जब अपने दो बच्चों को मौत, दो बच्चों को गंवा दिया इन्होंने, और इनको लगा कि अब अपनी भी जिंदगी सुरक्षित नहीं है, तो ये उसी हुमायूं के मकबरे में जाकर के जो है छिप गए थे। कहा जाता है कि हुमायूं मकबरा, हुमायूं का मकबरा जो कि आज भी पुरानी दिल्ली में है, और लाल किले से अंडरग्राउंड सुरंग थी जिसके मदद से ये निकल गए थे। और इस बात को बहादुर शाह जफर का ही जो है साला था, जिसका नाम था जो है इलाही बख्श। इलाही बख्श सिर्फ इन्हीं का साला नहीं था, जो इसकी करतूत थी पूरे देश का साला था। 100 रुपए में ये उल्लू का ढक्कन बिक गया, और 100 रुपए में बिक गया तो बता दिया कि जीजा जी कहां हैं। हडसन ने, वही हडसन जिसने कि गोली मारी थी, किसको? मिर्जा उमर को, मिर्जा उमर को। उसके बाद मिर्जा मुगल को गोली मार दी, मिर्जा मुगल को जो है मारा था। अबू बकर का जो है मर्डर इसी ने किया था, अबू बकर का मर्डर भी जो है इसी ने किया था। अबू बकर इनके बेटे का बेटा था, जबकि ये दोनों जो है बहादुर शाह जफर के जो है पुत्र रहे थे। हडसन भी जो है मारा गया था अवध में, ये भी कुत्ते की मौत जो है मार दिया गया। इसी के नाम पर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है एक द्वीप का नाम भी जो है रखा गया था, हडसन द्वीप, हैवलॉक द्वीप, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है नाम बदल दिया गया था। इन द्वीपों का अब क्या नाम रखा गया है कमेंट करके जो है आप मुझे बताएं। बहरहाल इसी हडसन ने इलाही बख्श के जो है गद्दारी की वजह से इनको कहां से गिरफ्तार किया था? हुमायूं के मकबरे से जो है गिरफ्तार किया था। दिया भी तो है मिर्जा इलाही बख्श, जो कि रिश्ते में जो है इनके लगते थे साला। हडसन ने गिरफ्तार किया, कहा जाता है कि इनको हुमायूं के किले में, हुमायूं के मकबरे में। तो हडसन भारत में रहते रहते भारतीय भाषाओं से परिचित हो चुका था। इसने मिर्जा गालिब के द्वारा लिखी गई एक शेर के कुछ जो है पंक्तियां इनको चिढ़ाते हुए सुनाया था। मिर्जा गालिब ने हालांकि इन पंक्तियों को लिखा था कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो अपने जान की। दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो अपने जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। शमशीर का मतलब होता है तलवार। जब भारत पर, दिल्ली पर विद्रोही ब्रिटिश सैनिकों ने पुनः कब्जा कर लिया, तो जो है ये गजल लिखे थे मिर्जा गालिब। वो हर वक्त गजल में ही जो है, शेर में ही जो है मगन रहते थे। जब उनकी जो है ये शेर को सुना किसने? बुढ़ा बहादुर शाह जफर ने, तो इसने भी तुरंत तपाक से जो है उसका पलटवार किया, क्योंकि ये भी बहुत अच्छे शायर थे। इन्होंने भी तुरंत उसका जो है पलटवार किया कि गाजियों में जब तलक जुनून और ईमान है, तख्त ए लंदन मेरा जिंदा हिंदुस्तान है। और जैसा कि आप जानते हैं, बाबर ने भारत में पहली
सबसे पहले गाजी की उपाधि धारण की। हालांकि गाजी का मतलब होता है गैर मुस्लिमों की जो है हत्या करने वाला व्यक्ति, और जितने भी मुगल बादशाह रहे थे सबने जो है अपने को जो है गाजी के रूप में जो है संबोधित किया था। बहरहाल औरंगजेब के बाद तो जो है सिर्फ ये नाम के गाजी रह गए थे। बहरहाल अगला प्रश्न देखें, 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे ने किस बटालियन के सिपाही थे? ओए होए, मंगल पांडे 1857 की क्रांति के जो है ये नायक जिन्होंने रिवोल्ट 1857 का श्री गणेश किया था, कब? 29 मार्च 1857 को। कहा जाता है कि होली की छुट्टी बीत जाने के बाद जब सभी सैनिक अपने अपने बैरकों पर वापस जो है गए थे, तो मंगल पांडे उन दिनों बैरकपुर छावनी जो कि अब बंगाल में मुर्शिदाबाद के पास जो है पड़ती है वहीं पर जो है ये पोस्टेड थे, कार्यरत थे। वहां पहुंच करके इनको भी पता चला कि अब जो ब्रॉस राइफल थी, लोहे की राइफल थी, उसके जगह एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल किया जाएगा और जो कारतूस इस्तेमाल किया जाएगा उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई है। ये ब्राह्मण व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान जिला बलिया में एक गांव है नगवा, वहीं के रहने वाले थे। हालांकि उस समय तब जो है बलिया गाजीपुर की एक तहसील हुआ करती थी, बाद में जो है गाजीपुर से बलिया को अलग कर दिया गया, अब बलिया वर्तमान में एक जिला है। हो सकता है हमको जो लोग सुन रहे हों वो लोग जो है गाजीपुर बलिया के क्षेत्र से होंगे भी। उसी बलिया के रहने वाले मंगल पांडे बैरकपुर की छावनी में जब फायरिंग रेंज में जो है सैनिकों को फायरिंग करने का ट्रेनिंग दिया जा रहा था तो इन्होंने कारतूस को दांत से काटने से मना कर दिया। कहा ना, कोई मेरा कारतूस दांत से काट करके पकड़ा दे, हमारी राइफल में लोड कर दे तो मैं जो है गोली चला दूंगा, लेकिन ना। इनका जो ट्रेनिंग कमांडर था उसने कहा, इतने बड़े रईस हो, अब तुमको अलग से जो है एक दांत से काटने वाला रखा जाएगा। इन्होंने गोली चलाने से इंकार किया तो यह बात जो है लेफ्टिनेंट कर्नल बाग को बताई गई, तो बाग जो है पहुंचता है गुस्से में तमतमाया हुआ और ट्रेनिंग सेंटर पर जो है फील्ड में आप देखे होंगे आज भी और तब भी सैनिक जब जो है गोली चलाते हैं उनको सिखाया जाता है तो पूरी लंबाई में पेट के बल जो है लेट जाते हैं, तो पेट के बल लेट करके जो है राइफल जो है ये पकड़े थे। तब तक जो है गुस्से में तमतमाया हुआ बाघ ने इनके पीठ पर ही राइफल से जड़ दिया। वो अंग्रेजी में गाली दिया जा रहा था तो इनको समझ में आ नहीं रहा था तो ये मुस्कुरा रहे थे, वो पीछे खड़ा होकर के जो है गाली दे रहा था, इडियट नॉनसेंस ये वो, तो इनको समझ नहीं आ रहा था। भोजपुरी में वो कुछ बोलता तो ये पकड़ते, तो बड़ा ये साधारण सी बात है, आपको कोई गुस्साए आप पर और आप थोड़ा सा मुस्कुरा दो तो आपकी मुस्कुराहट उसके गुस्से में कैटलिस्ट का काम करती है, उत्प्रेरक का काम करती है। अब वो मुस्कुरा रहे थे कि तुम क्या बोल रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा है, और ये और बिगड़ता जा रहा था कि मैं डांट रहा हूं उसके बाद भी ये मुस्कुरा रहा है, इसलिए उसने इनके पीठ पर जो है राइफल के बट से एक रसीद काट दी। तब नीचे लेटा हुआ ये बहादुर समझ गया कि एक कमीना चाहता क्या है। दूसरी बार उसने अटैक करता, उससे पहले उन्होंने अपना पोजीशन जो है बदल दिया, पेट से जो है पीठ के बल आ गए और इनकी राइफल को जो है पकड़ लिया, उसमें ऑलरेडी जो है कारतूस लोड थी, बस कुछ करना नहीं था, ट्रिगर दबाना था, राइफल भी बाघ की, उसमें कारतूस भी कर्नल बाघ की और खोपड़ी भी कर्नल बाघ की, इन्होंने बस जो है ट्रिगर दबा दिया, पूरा बाघ जो है उजड़ा हुआ चमन हो गया। तो उसी का राइफल, उसी की गोली, उसी की खोपड़ी, सब मैंने जीरो इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम आउटपुट। बहरहाल इसी वजह से मंगल पांडे को उस स्थल पर गिरफ्तार किया गया। हालांकि दूसरे अधिकारी जिसका नाम था कर्नल बाघ और एक और अधिकारी जिसको इन्होंने गोली मारी थी, इन दोनों को जो है बाद में मौत हो गई, इनको पकड़ लिया गया, इनको कोर्ट मार्शल किया गया और 8 अप्रैल, कब? 8 अप्रैल वर्ष 1857 के दिन इनको फांसी दी गई थी। जबकि इन अंग्रेज अधिकारियों को इन्होंने मारा कब था, तो 29 मार्च 1857 को इन दोनों का इन्होंने काम समाप्त कर दिया था।
इनको फांसी दी गई। फांसी देने से पहले जब खुलेआम सैनिकों के सामने इनको जो है फांसी दी गई, तो फांसी से पहले इन्होंने वहां पर खड़े अपने साथी सैनिकों से जो है कहा था, आज मेरी बारी है, कल तेरी बारी है, अगर ब्रिटिश हुकूमत इस देश में रही तो बारी बारी सबकी बारी है, क्या देखते हो, मारो फिरंगियों को। मरते वक्त भी मारो फिरंगियों का नारा जो है देने वाले महान क्रांतिकारी मंगल पांडे, वतन के लिए शहीद होने वाले पहले क्रांतिकारी होने का इनको गौरव प्राप्त है, और अपनी गोली से अंग्रेज अधिकारियों को मारने वाले भी ये पहले व्यक्ति हैं। किस बटालियन के सिपाही थे? 34वीं बटालियन, 34 बटालियन के सिपाही थे। कहां के रहने वाले थे? तो संयुक्त प्रांत के। उन दिनों जो है उत्तर प्रदेश को इस नाम से जाना जाता था, और अब जो है नाम इसका क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बताने की जरूरत ही नहीं है। तो जो अब जब आपसे पूछे कि मंगल पांडे जो है तत्कालीन किस राज्य से संबंधित थे, संयुक्त प्रांत से जो है संबंधित थे, और किस जिले से संबंधित थे, तो उन दिनों जो है ये गाजीपुर जिले से संबंधित थे, लेकिन बाद में गाजीपुर जिले को जो है काट करके अलग एक जिला बना दिया गया। तो अब जो ये जगह कहां पड़ती है, तो बलिया में पड़ती है। कहां पर? बलिया में पड़ती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न को देखते हैं। उससे पहले हमारी संस्था के द्वारा ये शानदार टेस्ट सीरीज जो है आप लोगों के लिए जारी किया गया है। मैं हमेशा बताता हूं, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, फिर अपने मित्रों में शेयर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 की क्रांति को मुस्लिम विद्रोह किस इतिहासकार ने कहा था? 1857 की क्रांति, मैंने बताया, जिसकी शुरुआत 31 मई 1857 से होनी थी, लेकिन 10 मई 1857 को हो गई। 1857 की क्रांति, जिसकी शुरुआत बिठूर से होनी थी, लेकिन इसकी शुरुआत मेरठ से हो गई। 1857 की क्रांति, जो नाना साहब और तात्या टोपे के नेतृत्व में होनी थी, वो कदम सिंह और शेखावत सिंह के नेतृत्व में मेरठ से शुरू हो गई। बहरहाल इसको मुस्लिम विद्रोह जो है कहा था। किसने कहा था? रॉबर्ट्स एंड श्रीमती कोपलैंड, ये दोनों जो है विदेशी राइटर्स जिनके द्वारा इसे मुस्लिम विद्रोह कहा गया था। क्या कहा गया था? इसे मुस्लिम विद्रोह के रूप में जो है संबोधित किया गया था। जबकि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र अगर जो है पूछा जाए, तो इन दोनों ने जेम्स आउट्रम, ध्यान रहे एक ही व्यक्ति का यह नाम है, जेम्स अनाउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था, जबकि इन्होंने इसे मुस्लिम विद्रोह कहा था। सर सैयद अहमद खान ने इसे जो है सिपाही विद्रोह कहा था। और सर सैयद अहमद खान पहले ऐसे जो है भारतीय थे जिन्होंने 1857 की क्रांति के संदर्भ में किसी भारतीय भाषा में, उर्दू भाषा में, असबाब ए बगावत नामक पुस्तक की रचना की। कॉजेज ऑफ रिवोल्ट 1857 भी इन्हीं की पुस्तक थी। तो ये पहले ऐसे भारतीय थे जब इस घटना को जो है अपनी पुस्तक में शब्द रूप दिया। उन दिनों ये बिजनौर में अमीन के पद पर कार्यरत थे और हमेशा ब्रिटिश हुकूमत के स्वामी भक्त रहे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खान बहादुर खान निम्न में से किसके सेना प्रमुख थे? खान बहादुर खान जब 1857 की क्रांति जो है अपने 1857 की क्रांति का जब श्री गणेश हुआ, तो खान बहादुर खान नाना साहब के सेनापति हुआ करते थे। किसके जो है सेनापति थे? नाना साहब के जो है ये सेनापति हुआ करते थे। लेकिन जब ना क्षमा चाहूंगा, फिर से सुन ले इसे। खान बहादुर खान 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के सेनापति थे। किसके सेनापति थे? बहादुर शाह जफर के सेनापति थे। और जब बहादुर शाह जफर को हडसन ने हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया, उनकी पत्नी जीतन महल और उनके दो बेटों के साथ जो है इनको भेज दिया। कहां पर? इनको भेज दिया रंगून, जहां पर 1862 में इनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद इनको कब्र भी नसीब ठीक से नहीं हुई। वो तो वर्ष 2017 में जब देश के वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय का वहां दौरा हुआ, तो वर्तमान प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल में जो है बहादुर शाह जफर के
मकबरे पर फूल चढ़ाने का भी उनका प्रोग्राम था, क्योंकि यहां उस समय 2017 में ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जो होने वाला था। तब जो है बर्मा की सरकार, म्यांमार जो है गवर्नमेंट टेंशन में आई कि बहादुर शाह जफर को कहां दफनाया गया, तो जल्दी जल्दी जो है उसी मांडले जेल के अहाते में उसका एक मकबरा तैयार कर दिया गया। और बहादुर शाह जफर के वही सेनापति थे खान बहादुर खान, लेकिन जब इनको गिरफ्तार करके वहां भेजा गया तो खान बहादुर खान वहां चले गए जहां के रहने वाले थे बरेली, और बरेली में क्रांतिकारी सैनिकों और किसानों का जो है नेतृत्व किसने किया, तो खान बहादुर खान ने किया था। आपसे पूछे बरेली में विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किसने किया, खान बहादुर खान ने किया। उससे पहले इन्होंने कहां किया था, तो दिल्ली में किया था। और ये किसके सेनापति रहे थे, बहादुर शाह जफर के सेनापति थे, जबकि नाना साहब के सेनापति थे तात्या टोपे, और तात्या टोपे कहां के रहने वाले थे, जी हां इनका जन्म क्रम जो है हुआ तो महाराष्ट्र में था, नासिक में था, लेकिन उन दिनों ये भी नाना साहब के साथ कानपुर में रह रहे थे। ये इनके सेनापति थे। बेगम हजरत महल के सेनापति का नाम था राजा जलाल सिंह। क्या नाम था, राजा जलाल सिंह, जलाल सिंह। और राजा जलाल सिंह के नेतृत्व में अवध में सबसे अधिक जो है सिपाहियों ने विद्रोह किया था। 1857 की क्रांति में सबसे अधिक सिपाही किसके पास थे, तो अवध के पास थे। सबसे अधिक अंग्रेज अधिकारी कहां मारे गए, तो अवध में लखनऊ में मारे गए थे, हावलाक मारा गया वहां पर। उसके बाद मैंने आपसे जो है आगे अभी प्रश्न के रूप में आ रहा है तो उसको बताऊंगा कि जलाल सिंह के जो है नेतृत्व में यहां बड़ा शानदार जो है काम किया गया, लेकिन फिर भी कैंपवेल ने, किसने, विलियम कैंपवेल, कैंपवेल लखनऊ को पुनः जीतने में कामयाब हो गया। कानपुर को जो है पुनः मुक्त कराने का काम भी जो है किया था किसने, तो विलियम कैंपवेल के द्वारा ही किया गया था। बेगम हजरत महल को भाग करके नेपाल में शरण लेनी पड़ी थी। नेपाल में नेपाल के लोगों ने इनको शरण दे करके अंग्रेजों से दुश्मनी मोल में खरीद ली थी। वहीं पर बेगम हजरत महल की मौत हो गई। बेगम हजरत महल का आज भी मकबरा पूछे कि कहां पर है, तो आप कहेंगे घंटाघर, घंटाघर काठमांडू। और काठमांडू कहां है, काठमांडू कहां है, इलाहाबाद में ना, काठमांडू बागमती नदी के तट पर स्थित वो शहर है जिसको सम्राट अशोक ने बसाया था और वर्तमान में नेपाल की राजधानी है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाना साहब के सेनापति थे तात्या टोपे, बेगम हजरत महल की सेनापति राजा जलाल सिंह, बहादुर शाह जफर के सेनापति थे खान बहादुर खान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 की क्रांति में विर्गिस कादिर का संबंध किससे था। विर्गिस कादिर 1857 की क्रांति में एक अल्पवयस्क बालक था जिसकी अवस्था बताया जाता है कि 4 से 5 वर्ष की जो है रही थी। दरअसल विर्गिस कादिर अवध के अंतिम नवाब जो थे जिनका नाम था वाजिद अली शाह। क्या नाम था, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, जो कि कथक और जो है ठुमरी के बहुत अच्छे कलाकार थे। इन दोनों विधाओं को आगे बढ़ाने में इनका बड़ा जो है रोल था, लेकिन एक शासक के रूप में असफल रहे थे। इन्हीं की अंतिम जो बेगम थी, वो बेगम थी, बिल्कुल बेगम थी, जिनका नाम था हजरत महल। हजरत महल, हजरत महल के बारे में कहा जाता है कि हजरत महल का वास्तविक नाम जो है मुहम्मदी, अभी मैंने बताया था कि खानम था। मुहम्मदी खानम भी जो है एक नाचने गाने वाली ही थी, और इसी मुहम्मदी खानम से जब वाजिद अली ने शादी कर ली तो इनको बेगम हजरत महल की उपाधि दिया था, और बेगम हजरत महल का ही ये 4 साल का बेटा था जिसका नाम था जो है विर्गिस कादिर। वाजिद अली शाह को जब अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था, आपको मैंने बताया था कि अवध को कुशासन के आरोप में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ब्रिटिश हुकूमत ने मिला लिया गया। वाजिद अली शाह को गिरफ्तार कर लिया गया, इनको कलकत्ता अलीपुर में ले जाकर के कैद कर दिया गया, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये कहां है, किस अवस्था में है।
तो बेगम हजरत महल को यह लगा कि उनके पति की हत्या कर दी गई है। इधर जलाल सिंह के नेतृत्व में जब अवध को सैनिकों ने मुक्त कराया तो बेगम हजरत महल ने अपने उसी 4-5 साल के बच्चे को जो है यहां का उत्तराधिकारी घोषित किया, जिसको अंग्रेज मानने को तैयार नहीं थे। कहा जाता है कि उस बच्चे की भी जो है अंग्रेजों ने हत्या कर दी। बेगम हजरत महल इससे टूट गई। उनको लगा कि अब तो इस दुनिया में उनका पति भी नहीं है, उनका बेटा भी नहीं है, तो फिर इस जंग को किसके लिए लड़ना है और इस जंग को जीत करके अब क्या करना है। इसलिए अपना जो है जान बचाने के लिए ये नेपाल चली गई और अंततोगत्वा नेपाल में ही अंतिम समय तक रही। वहीं पर इनकी मौत भी, और अभी मैंने बताया कि वहीं पर इनका जो है मकबरा भी है। नाना साहब नेपाल में शरण लेने वाले भी जो है एक क्रांतिकारी रहे थे। नाना साहब और बेगम हजरत महल दोनों को थापा परिवार के लोगों ने नेपाल में शरण दिया था। बहरहाल देव ये प्रश्न में पूछ रहा है जिस कादिर का संबंध किस क्षेत्र से था। जी हां, लखनऊ से था। कहां से था? लखनऊ से था। लखनऊ, और आपसे पूछे कि यहां पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो हमेशा कहेंगे बेगम हजरत महल। हालांकि वाजिद अली शाह लंबे समय तक जिंदा रहे थे, लेकिन बहुत समय तक ये बात किसी को पता ही नहीं थी कि ये थे कहां, और इनको वहां पर रखा गया था। कहां पर? जो है अलीपुर। अलीपुर कहां पड़ता है? कलकत्ता में। और मैंने बताया था आप लोगों से कि 1756 में जब दिल्ली पर कलकत्ता पर सिराजुद्दौला ने अटैक किया था, तो उसी ने कलकत्ता का नाम बदल करके अलीपुर रखा था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प जो है क्या है? 100% सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, सत्ती चौरा और बीबीगढ़ नामक स्थान पर 1857 के क्रांतिकारियों ने अंग्रेज स्त्रियों और बच्चों का सामूहिक नरसंहार किया, यह कहां स्थित है? सत्ती चौरा, बीबीगढ़, खूनी घाट। कौन सा? खूनी घाट, यह गंगा घाट पर वो जगह है। दरअसल जब कानपुर को विद्रोही सैनिकों के चंगुल से अंग्रेजों ने मुक्त करा लिया था, तो उन क्षेत्रों में कैंपवेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों ने भारतीय निर्दोष लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, खास करके जो है स्त्रियों के साथ। लेकिन बिठूर में रह रहे तात्या टोपे ने जब पुनः चढ़ाई की कहां पर? कानपुर में, और कानपुर को फिर से जो है अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराया, तो अंग्रेजों ने भय से अपने परिवार के लोगों को पानी की जहाज पे बिठा करके और वहां से कानपुर से सुरक्षित निकाल देना चाहता था, और अंग्रेज ऐसा किए भी। यह बात, यह भनक जो है क्रांतिकारी सिपाहियों के जो है कहीं ना कहीं से लग गई, और जब नाव पर सवार होकर के और ये अंग्रेजों का परिवार वहां से भागने के फिराक में था, तब तक विद्रोही क्रांतिकारी सैनिकों का जत्था जो है पहुंच जाता है गंगा घाट पर। उसका नेतृत्व करने वाला जो नायक था, जिसका नाम था विजयंत सिंह, विजयंत सिंह ने अपने जो है सैनिकों से कहा, गोली चलाने का आदेश दिया। कुछ सैनिकों ने जो है इसका विरोध भी किया कि जो है इस बेगुनाहों पर, बच्चों पर, स्त्रियों पर, उसने कहा कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करो, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अंग्रेजों ने क्या ऐसा किया? अंग्रेजों ने भी तो हम लोगों के साथ, बेगुनाह लोगों के साथ वही बर्ताव किया, तो गलत लोगों के साथ गलत करो, कुछ भी गलत नहीं है। उसकी बातों में आकर के, बिजयंत सिंह की बातों में आकर के सैनिकों ने गोली चलाई। कहा जाता है कि गंगा का वो घाट जिस पर जो है जहां से नावें लगी थी, जहां से ये अंग्रेज लोगों के परिवार का जत्था जाना था, वो पूरी तरीके से गंगा का घाट ही जो है खूनी रंग में रंग गया, जिसको खूनी घाट के नाम से जाना गया। सत्ती चौरा जगह भी वही है, बीबीगढ़ नामक स्थान। ये सब ये जगह कहां से संबंधित है? जी हां, कानपुर से संबंधित है। कहां से? कानपुर से संबंधित है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? जी, दूसरा विकल्प सही होगा। कानपुर में क्रांतिकारी सैनिकों का नेतृत्व किया था कौन? तात्या टोपे।
तात्या टोपे, और कौन तो नाना साहब। कौन? नाना साहब ने किया था। जगदीशपुर में क्रांतिकारी सैनिकों का जो है नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह। किसने किया? वीर कुंवर सिंह ने किया था। झांसी में क्रांतिकारी सैनिकों का नेतृत्व जो है मणिकर्णिका यानी रानी लक्ष्मी भाई ने किया। रानी लक्ष्मी भाई ने किया। इलाहाबाद में क्रांतिकारी सैनिकों का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो यहां पर क्रांतिकारी सैनिकों का नेतृत्व वो व्यक्ति के जो कि पेशे से एक जो है वकील थे और उनका नाम था लियाकत अली। क्या नाम था? लियाकत अली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें इलाहाबाद को पुनः जो है मुक्त कराया था जिस अंग्रेज ने, उसका नाम था कर्नल नील। जबकि कानपुर को जो है पुनः प्राप्त कर लिया, उसका नाम था कैंपवेल। जगदीशपुर को आयरकुट ने, जबकि झांसी को जो है पुनः प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी ह्यूरोज ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 की क्रांति में कौन से नेता जिन्हें नेपाल में शरण लेना पड़ा, अभी तो मैंने बताया था कौन से नेता जिन्हें शरण लेना पड़ा? नाना साहब। बहरहाल बेगम हजरत महल ने भी नेपाल में शरण लिया था और आज भी उनका मकबरा वहीं पर काठमांडू में घंटाघर में जो है स्थित है। बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति में इनको कहां पनाह मिली? बर्मा में, जिसको कि हम लोग म्यांमार कहते हैं। वहीं पर 1862 में इनकी मौत हुई और आज भी रंगून में इनकी जो है समाधि है। कहा जाता है कि इनकी मृत्यु के बाद जो है इनके साथ जो इनकी अंतिम बेगम थी, सातवीं बेगम थी, जिनका नाम था जीतन महल, जीतन महल फिर जो है बंगाल की रहने वाली थी, बंगाल चली गई और जाकर के जो है उन्होंने फिर अपनी दुनिया बसा ली। कुछ दिन पहले आपने अखबारों में जो है पढ़ा रहा होगा कि बंगाल में आज भी वहां के अलीपुर नामक जो है जगह पर एक महिला जो कुछ दिन पहले झुग्गी झोपड़ी में रहकर के जिंदगी गुजर बसर कर रही है, जिसने जो है ये दावा किया कि मैं मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की बहू हूं। अब कितना सही है ईश्वर जानता है। उन्होंने यहीं से उस कड़ी को जोड़ा था कि वही जीतन महल के बेटे की वो जो है बहू जो कि आज भी वहां पर बनी हुई है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प जो है सही है। बाबू कुंवर सिंह जो कि आरा बिहार के रहने वाले थे और ये शहीद हो गए थे कब? इनका शहादत दिवस जो है अभी हाल ही में मनाया गया था। कहा जाता है 28 अप्रैल वर्ष 1857 को जब वीर कुंवर सिंह गंगा नदी को पार कर रहे थे तो इनके अपने ही किसी व्यक्ति के द्वारा गद्दारी कर दिया गया। ये बात अंग्रेजों को पता चली। अंग्रेजों को पता चली तो अंग्रेजों ने इनके ऊपर भी गोली चलाई तो एक गोली इनके बांह में जा लगी। उस गोली का जो जहर असर पूरे शरीर में फैल जाए उससे पहले ही एक तलवार से जो है एक बांह अपनी उन्होंने काट करके और गंगा नदी में जो है प्रवाहित कर दिया। उसके वजह से इतना ब्लडिंग हो गया कि बहादुर शाह ना बहादुर वीर कुंवर सिंह इस दुनिया को छोड़ करके चल बसे। तब उनकी अवस्था जो है 80 बरस थी। इस वतन के लिए शहीद होने वाले सबसे बुजुर्ग क्रांतिकारी कोई था तो वीर कुंवर सिंह थे। और उनके जन्मदिन पर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, नहीं, उनकी शहादत दिवस पर 78,000 कितने 78,000 जो है तिरंगा झंडा फहरा करके और वही आरा जगदीशपुर में एक गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाया गया। किसके नेतृत्व में? देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी तब वहां पर मौजूद रहे थे। ये करंट का मामला है। बहरहाल प्रश्न का दूसरा विकल्प 100% सही है। आगे देखिए, दामोदर राव का 1857 की क्रांति में किस क्षेत्र से संबंध था? दामोदर राव कौन थे? दामोदर राव रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र थे। रानी लक्ष्मीबाई ने इन्हें गोद लिया था। गोद लेने का मतलब एडॉप्ट किया था। दरअसल किसी ऑफलाइन बैच में एक बार मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया कि रानी लक्ष्मीबाई ने जब उनके पति गंगाधर राव की मौत हो गई तो एक बच्चे को गोद लिया था।
तब मैं हरियाणा में पढ़ाया करता था, हिसार। वहां एक मेरा शिष्य भड़क गया, कहा कि उन्होंने गोद लिया था। उन्होंने गोद नहीं लिया था, बल्कि जो है उसको पीठ पे बांध लिया था। मैंने कहा, अरे भाई गोद लिया था उन्होंने। कहा, हाँ क्या बात करते हैं, पीठ पर बांध लिया था, पूरी दुनिया जानती है आप कह रहे हैं गोद लिया था, तो यहां गोद लेने का मतलब जो है एडॉप्ट किया था। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका वास्तविक नाम जो है मणिकर्णिका था, क्या नाम था? मणिकर्णिका। और मणिकर्णिका जो है, इनका जन्म कहां हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कहां पर? वाराणसी में 19 नवंबर के दिन। कब? 19 नवंबर 1828 को इनका जन्म हुआ था। 19 नवंबर 1828 को कहां पर? वाराणसी में, काशी में, वाराणसी में। आज भी जो है इनके नाम पर गंगा घाट को जो है मणिकर्णिका घाट के नाम से जाना जाता है। लेकिन वर्तमान समय में खैर मणिकर्णिका घाट तो किसी और वजह से जो है फेमस है, लेकिन इनका पालन पोषण हुआ बिठूर में, और बिठूर में इनको जो है किस नाम से जाना गया था? वहां पर मनु के नाम से जो है जाना गया। आगे चल करके इनकी शादी गंगाधर राव से हुई थी। गंगाधर राव को छत्रपति शिवाजी का अंतिम वंशज बताया जाता है। गंगाधर राव से शादी हुई, लेकिन गंगाधर राव की जब जो है मौत हो गई, तो झांसी के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इन्होंने अंग्रेजों से न सिर्फ दो दो हाथ किया, बल्कि एक मूक बधिर बालक जिसका नाम जो है दामोदर राव था, उसको इन्होंने गोद लिया, एडॉप्ट कर लिया था। और 1857 की लड़ाई, जब 1858 में ये यूरोज से ग्वालियर में लड़ रही थी, तो उस बालक को जो है पीठ पर भी बांध लिया था। आप देखे भी होंगे उस चित्र को, किसी ने, कवि ने लिखा था कि पृष्ठ पर वंश लिए हाथों में विध्वंस लिए, पृष्ठ पर वंश लिए हाथों में विध्वंस लिए, रानी लक्ष्मीबाई भारत की इतिहास लिख गई। और 18 जून 1858 को ग्वालियर में इस देश के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर गई। रानी लक्ष्मीबाई मूल रूप से वाराणसी की रहने वाली थी। इनकी शादी हुई झांसी के शासक गंगाधर राव के साथ, और गंगाधर राव छत्रपति शिवाजी के अंतिम वंशज थे। इन्होंने दामोदर राव को जो है गोद लिया था। और इस तरह से दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। कौन सा? दूसरा विकल्प 100% सही होगा। संबलपुर, ये जगह अब उड़ीसा में पड़ती है। उड़ीसा का संबलपुर का नेतृत्व जो है किया था कौन? वीर सुरेंद्र शाही ने। वीर सुरेंद्र शाही, सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही, और उज्जवल शाही, इन दोनों लोगों ने जो है नेतृत्व किया था। उड़ीसा में ही जगह पड़ती है जिसका नाम जो है गंजाम, गंजाम या गंजम, इसका जो है नेतृत्व किया था किसने? राधा कृष्ण ने। राधा कृष्ण नामक क्रांतिकारी ने इसका जो है नेतृत्व किया। जगदीशपुर में नेतृत्व जो है वीर कुंवर सिंह के द्वारा जो है किया गया था। सतारा में नेतृत्व जो है रंगोजी बापू ने किया था। किसने? रंगोजी बापू के द्वारा किया गया था। तब उसी का हिस्सा हुआ करता था गोवा। गोवा में 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व किया किसने? दीपूजी राणा। किसने किया था? दीपूजी राणा। कहां का नेतृत्व किया? गोवा का। गोवा में ये दीपूजी राणा ने गोवा का नेतृत्व किया। तब ये उन दिनों जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा हुआ करता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के किस क्रांतिकारी के ऊपर, अंग्रेजों ने किस क्रांतिकारी के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा था? उन दिनों 50,000 बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के नाकों दम कर रखने वाले क्रांतिकारी जिनका नाम था मौलवी अहमद उल्ला खां। क्या नाम था? मौलवी अहमद उल्ला खां, जो मूल रूप से जो है अरकाट के रहने वाले थे, अरकाट के दक्षिण भारत के रहने वाले थे। और उत्तर भारत में आकर के जो है इन्होंने पहले ही 1857 की क्रांति से पहले ही इन क्षेत्रों में इनके पूर्वजों ने अपना जागीर स्थापित कर लिया था। वर्तमान में जो जगह
अयोध्या हो गई है तब उसको फैजाबाद कहा जाता था। फैजाबाद में इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया और ब्रिटिश हुकूमत के नाको दम कर दिया। इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए इनके ऊपर 50,000 रुपए का जो है पुरस्कार, एकमात्र ऐसे उन दिनों एक क्रांतिकारी थे जिनके ऊपर पुरस्कार की घोषणा की गई थी। और कहा जाता है कि अहमद उल्ला खां के मित्र जिनका नाम था जनार्दन भानु, जनार्दन भानु ने इनको पत्र लिखा कि मित्र मैं कंपनी के नियमों से बंधा हूं, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम हमसे मिलो और जब मिलो तो मैं तुमको आर्थिक और सैनिक मदद देना चाहता हूं। पवाया नामक जगह जिसके उन दिनों शासक थे जनार्दन भानु, और अहमद उल्ला खां उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। उस कमीने ने 50,000 रुपए के लालच में इनको गोली मार दिया। आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो पैसे के लिए इतना गिर जाते हैं जितना पैसे की कभी कीमत नहीं गिरती है। उनके लिए रिश्ते नाते कोई मतलब नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए पद और पैसा मतलब रखता है। पद और पैसे के भूखे भेड़ियों के गद्दारी के वजह से ही मैं शुरू में ही बताया कि हिंदुस्तान को 1947 तक का इंतजार करना पड़ा, वरना उन दिनों के भारतीय शासकों ने अगर क्रांतिकारियों का मदद किया होता, उनका साथ दिया होता, तो इतिहास कुछ और रहा होता और भारत 1857 में ही आजाद हो गया होता। लेकिन अगले 90 सालों तक अभी भारत के लोगों के मुकद्दर में अंग्रेजों की गुलामी लिखी थी, और जो लिखा है वो तो होगा ही चाहे कुछ भी हो। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, मौलवी अहमद खां जिन्होंने फैजाबाद का नेतृत्व किया और इनको पवाया के जनार्दन भानु, क्या नाम था, जनार्दन भानु ने गोलियों से भून दिया था। हालांकि ये इनके मित्र थे, लेकिन जिनके पास ऐसे मित्र हों उस व्यक्ति को दुश्मनों की जरूरत ही क्या है। और जनार्दन भानु ने इनकी हत्या करने के बाद ये खुद ही ब्रिटिश पुलिस को खबर किया कि जनार्दन भानु ने अहमद उल्ला खां का मर्डर कर दिया है, मेरा 50,000 रुपया मुझको दिया जाए। अंग्रेज भी कच्ची गोटियां खेलने वाले नहीं थे। इसी अहमद उल्ला खां के मौत के आरोप में जनार्दन भानु को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और जो है फांसी दे दिया। ये कमीना अपने भी चला गया और उनके साथ तो जो किया सो किया ही। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प सही है। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा में क्रांति का नेतृत्व किया, जबकि इन्होंने बरेली में किया था। एक सेनापति के रूप में इन्होंने दिल्ली में भी अपनी सेवा दी थी। बहादुर शाह जफर के सेनापति भी थे खान बहादुर खान। अगला प्रश्न को देखिए, 1857 की क्रांति बिहार में सर्वप्रथम कहां से शुरू हुई। 1857 की क्रांति वर्तमान उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा का ये वो क्षेत्र था जो कि खासे जो है प्रभावित रहा था, क्योंकि आज भी सेना में सबसे अधिक अगर आपको मिलेंगे तो उत्तर प्रदेश के लोग जो है मिलेंगे। सैनिकों ने सबसे पहले ये जो कहानी शुरू की, उसके बाद जो है मजदूर किसान वर्ग भी इससे जुड़ता चला गया, क्योंकि इस देश में किसान, जवान, बेरोजगार हमेशा से परेशान रहे हैं, शोषित किए जाते रहे हैं, जलील किए जाते रहे हैं। आज भी आप देख रहे हो हालात ये है कि बेरोजगारी का आलम ऐसा है, और हमारी सरकारें जब इलेक्शन आता है तब जो है वैकेंसी निकालती हैं। अब बेरोजगारों को नोट और वोट का धंधा बना लिया गया। जब वैकेंसी आती है, जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन खत्म, काम खत्म, क्योंकि इलेक्शन के समय गवर्नमेंट को नोट भी चाहिए और वोट भी चाहिए, और उन दोनों का जरिया है कौन, इस देश के बेरोजगार लोग। आजादी से पहले भी हम लोग बेरोजगारी का दंश को जो है झेलते रहे थे, आजादी के बाद भी जो है वही हालात है। आजादी से पहले भी जवान और किसान आत्महत्या करने के लिए विवश थे, आजादी के बाद भी जो है वही हालात है। इस देश की व्यवस्था हमेशा जवानों किसानों से जो है चलती रही, अमीरों ने तो हमेशा इस देश को लूटने का काम किया, चाहे आजादी से पहले चाहे आजादी के बाद।
वरना 1857 की क्रांति में उस समय के शासकों ने साथ दिया होता तो भारत का इतिहास कुछ और रहा होता। बहरहाल 1857 की क्रांति बिहार में सबसे पहले सही कहो तो शुरू हुई थी कहां से, देवघर से। लेकिन देवघर अब पड़ जाता है कहां पर, झारखंड में यह पड़ जाता है। 3 जुलाई 1857 को पीर अली नामक एक पुस्तक विक्रेता ने पटना में विद्रोह का बिगुल बजाया, लेकिन इसको अपने सबाब पे चढ़ाया जिस व्यक्ति ने, वो थे जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा विकल्प जो है सही होगा। अगर जो पूछता कि वीर कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां किया, तो उस सवाल का जवाब होता जगदीशपुर। लेकिन ये पूछ रहा है बिहार में सर्वप्रथम क्रांति कहां से शुरू हुई थी, ये बीपीएससी में पूछा गया जो है क्वेश्चन है। हालांकि प्रश्न काल में जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो उसका उत्तर जो है देवघर था, क्योंकि तब झारखंड बिहार का हिस्सा था। अब जो है झारखंड बिहार से जो है वर्ष 2000 में ही अलग हो गया था 15 नवंबर को, जिसको कि बिरसा मुंडा का जन्मदिन है और उसे अब भारत सरकार जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जो है संबोधित कर रही है। अगला प्रश्न देखें, 1857 की क्रांति में वह नर्तकी जिसने अंग्रेजों का सामना किया, बेगम हजरत महल, अजीजन बाई, जीतन महल, मुमताज महल का तो जो है इससे दूर दूर तक जो है कोई लेना देना ही नहीं था ना। वह नर्तकी जिसने अंग्रेजों का सामना किया अजीजन बाई थी। अजीजन बाई का संबंध जो है कानपुर से रहा था। कहा जाता है कि ये नाचने गाने वो कोठे पर नाचने गाने का काम करने वाली जो है एक गड़िका थी, एक वेश्या थी। लेकिन 1857 की क्रांति में इन्होंने जो कुछ किया, भारत के इतिहास में एक पन्ना इनके लिए भी लिखा गया। जब 1857 की क्रांति में कैंपवेल के नेतृत्व में कानपुर पर जो है पुनः अंग्रेजों ने अधिकार किया, तो कुछ सैनिकों को इन्होंने अपने आवास पे, अपने घर में, अपने कोठे पर इन्होंने जो है शरण दे दिया। उनको आर्थिक मदद भी किया, जिसके वजह से अंग्रेजों के द्वारा इनको तमाम यातनाओं को दिए जाने के बाद जो है गोली मार दी गई थी। अजीजन बाई एक नाचने गाने वाली होकर के भी जो है भारत के इतिहास में अमर हो गई। आप कितना लंबा जिंदगी जीते हैं ये मतलब नहीं रखता है, एक पल के लिए कितना बेहतरीन जिंदगी को जीते हैं ये जो है आपके इतिहास को निर्धारित कर देता है। अजीजन बाई उसी का नाम है। कानपुर में ये 1857 में सैनिकों की मदद करने की वजह से, सैनिकों को अपने घर में जगह देने की वजह से इनको अंग्रेजों ने मार दिया था। बढ़ते हैं हम लोग आज के अंतिम प्रश्न की ओर, 1857 की क्रांति में किस भारतीय नायक ने फ्रांस के शासक नेपोलियन थर्ड को पत्र भेज करके सहायता मांगी थी। नेपोलियन थर्ड जो कि उन दिनों फ्रांस में, यूरोप में अपने शबाब पे, अपने चरमोत्कर्ष पे था, यूरोप के मैक्सिमम हिस्सों को जो है जीतते जा रहा था। फ्रांस और अंग्रेजों के बीच हमेशा से दुश्मनी रही है और शायद इसी का फायदा उठाने के लिए उन दिनों नाना साहब, जिनका जो है वास्तविक नाम था धोंधू पंत, क्या नाम था, धोंधू पंत नाम था इनका वास्तविक नाम, धोंधू पंत था ये, माधव नारायण राव जो पेशवा था, माधव नारायण राव के ही जो है ये पुत्र थे, जिसको बाजीराव ने जो है दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया। तो बाजीराव सेकंड, बाजीराव द्वितीय के ये दत्तक पुत्र थे। कानपुर में रह करके इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था और इन्होंने ही नेपोलियन थर्ड को पत्र लिख करके सहायता मांगी थी। इस काम के लिए इन्होंने अपने सहायक अजीम उल्लाह खां, क्या नाम था, अजीम उल्लाह खां को जो है लंदन भी भेजा, इन्होंने फ्रांस भी भेजा था, लेकिन बहुत कोई वहां से अपेक्षित सहायता नहीं मिली थी, क्योंकि भले ही फ्रांसीसी अंग्रेजों के विरोधी थे
लेकिन थे तो गोरी चमड़ी वाले और वो हमेशा काले लोगों को हे दृष्टि से ही देखते थे। बहरहाल ये था आज का जो है सेशन। बाबू कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, आयरकुट ने इसको पुनः जीतने में कामयाबी हासिल की। हालांकि जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह के बाद इनके भ्राता श्री वीर अमर सिंह ने भी जो है क्रांति की बागडोर को संभाली थी। नाना साहब कानपुर में रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में, बेगम हजरत महल लखनऊ। तो ये था आज का सेशन हमारी संस्था के द्वारा। ये कुछ किताबें आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके जो है जारी की गई हैं। इन किताबों को प्राप्त करने के लिए आप दिए हुए नंबरों पर जो है कॉल करिए, इन पुस्तकों का अध्ययन करिए और आपको अच्छे लगे तो अपने दोस्तों में इस बात को शेयर करिए। यह था आज का सेशन, आज बस इतना ही। आप लोग अपने विचार कमेंट में जो है जरूर लिख करके भेजेंगे। ये सेशन जो है अच्छा लगे तो आप इसे न सिर्फ लाइक करेंगे बल्कि अपने मित्रों में एजुकेशनल जो ग्रुप है वहां शेयर भी करेंगे। आज बस इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि। सर्वपुरुषी की तमन्ना अब हमारे दिल में।